आगे स्टार्ट करें। सर हाँ बोलो बेटा। सर एलआई स्क्वायर वर्क डन होता तो जब रेजिस्टेंस नहीं है तो एलआई स्क्वायर ही एनर्जी स्टोर्ड भी होना चाहिए। हाँ हाँ एनर्जी स्टोरेज तो होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। हाफ सीवी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। फील्ड की एनर्जी डेंसिटी जो निकालते हैं यहीं से तो निकालते हैं। सर, मतलब आधी मैग्नेटिक एनर्जी और आधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर। नहीं इसमें ये भी इंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सर तो एल आई स्क्वायर नहीं होगा सर। ये हाफ एल आई स्क्वायर ही तो आती है, ये एल आई स्क्वायर क्यों होगा? सर मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना। ये डेरिवेशन हाफ एल आई स्क्वायर तो किया होगा जो ये चैप्टर है ईएमआई वाला। सर वो एल आई डी आई बाई डी टी को इंटीग्रेट करके आया था यहाँ फैलाई स्क्वायर। ये आया था इंटीग्रल एल आई डी आई को इंटीग्रेट किया था 0 से I। जब इंटीग्रेट किया था तो ये एल बाहर आया था, आई डी आई आई स्क्वायर बाई 2 बन जाता है, वहां से आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि इंडक्टर के क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन है पिछली बार की तरह। पिछली बार मैंने एक कंडेंसर लिया था, इस बार एक कॉइल। तुम लोगों ने सुना होगा ट्यूबलाइट में एक और चीज होती थी, चोक कॉइल। चोक कॉइल कुछ और नहीं इंडक्टर को बोलते हैं। ये चोक कॉइल है, एक बल्ब से कनेक्टेड है, ये बल्ब है और यहाँ पे एक एसी सोर्स है, इससे कनेक्टेड है। फिर वही क्वेश्चन है कि इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। डिम हो जाएगा, बाकी लोग बताओ। डिम हो जाएगा। यस सर डिम हो जाएगा। डिम होगा। हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल से इंपेडेंस बढ़ेगा। इंपेडेंस जब बढ़ता है, अपोजिशन बढ़ता है, तो सर्किट में करंट घट जाती है, क्योंकि I इज इक्वल टू वी बाई जेड होता है, एन नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड होता है। करंट घट गई तो बल्ब में जो ब्राइटनेस है I आर एम एस का स्क्वायर R, वो घट जाएगी, तो पक्की बात है बल्ब डिम हो जाएगा। ये था थ्योरेटिकल। और दूसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसमें तुमको वैल्यू दी है। ये एक एसी सोर्स है और तुमको वैल्यू दी है P इज इक्वल टू 220√2 sin 100 πt, और ये तुम्हारा इंडक्टर है, इस बार 100/π मिली हेनरी का। मिली याद रखना, मिली 10⁻³ हेनरी SI है। इसमें क्या क्या बतानी है, तो सारी चीजें बतानी है, जेड एक्सएल आई नॉट आई आर एम एस, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाई फेज डिफरेंस, कॉस फाई पावर फैक्टर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल, सारी चीजें बतानी है। और एक चीज और, वोल्टेज का तो ग्राफ है, करंट का ग्राफ बनाना है, करंट का टाइम के साथ ग्राफ भी बनाना है वैल्यूज के साथ, एटलीस्ट एक साइकिल का। सर इसमें पावर आई स्क्वायर आर लिखेंगे। हाँ रजिस्टर में, अब देखो इन दोनों में करंट सेम है ना, तो इसलिए आई स्क्वायर आर। भाई इन दोनों का वी हमें क्या पता कितना है, वी तो बटेगा ना सीरीज में, तो करंट सेम है ना सीरीज में, तो इसलिए आई आर एम एस का स्क्वायर आर। वैसे भी निकाला तो है इसी सर्किट में, रजिस्टर में टोली रेज टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर। एक्सेल 10 आ रहा है, 10 ओम मतलब अगर मिली इक्वल 10⁻³ हेनरी में कन्वर्ट करके एसआई में किया तो फिर ओम। आई नॉट 22√2 और आई आर एम एस 22। अच्छा यस सर एक्सेल, एवरेज जीरो। अच्छा ओमेगा एल 100/π 10⁻³, तो ये पाई से पाई कट गया, 10⁴ × 10⁻³ 10 ओम, एक्सेल 10 ओम, एक्सेल 10, जेड एक्सेल 10 ओम। अब तो बड़ा आसान है, 10 I0 इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 22√2 आई आर एम एस 22, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
22 रूट 2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई हाँ अब ये आ गए तो t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 1 पूछा नहीं था बट अगर पूछा जाता तो बता सकते थे फेज डिफरेंस 90 पावर फैक्टर 0 एवरेज पावर कंज्यूम 0 करंट का ग्राफ तो इस बार ये ग्राफ बनेगा बस इतना करना है कि ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं करना मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं करना नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट करना ऐसे नेगेटिव मैक्सिमम से बोलो हाँ सर हो गया चलिए आगे बढ़े सर एक मिनट नोट कर लें हाँ नोट करो नोट करो ठीक आगे बढ़ते हैं तीनों मैंने करा दिए प्योरली रेजिस्टिव प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव बाकी सर्किट इनके कॉम्बिनेशन है अब वो बाकी कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का इंडक्टर के साथ आरएल कहलाता है रेजिस्टर का कैपेसिटर के साथ आरसी कहलाता है तो रेजिस्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टिव इंडक्टिव एल का सी के साथ इंडक्टिव कैपेसिटिव और एक होता है जिसमें तीनों LCR सर्किट इंडक्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टिव सब है तो इन चारों सर्किट्स में एक कॉमन चीज है और वो कॉमन चीज अगर हम पहले कर लें तो उस कॉमन चीज करने के बाद तुमको RL, RC, LC, LCR सब समझ में आ जाएगा और अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं तुमको एक जनरल LCR सर्किट की कॉन्सेप्ट बता दूं तो उस जनरल LCR सर्किट में उसी सर्किट से R को जीरो करके LC, C को जीरो करके LR, L को जीरो करके RC, ये सारे सर्किट जितने बाकी लिखे हुए निकाले जा सकते हैं तो इसलिए मैं सीधे सीधे तुमको कराने जा रहा हूं LCR सर्किट और सब अभी जो एलिमेंट्स हो सीरीज में लूंगा तो मैं तुमको कराने जा रहा हूं LCR सीरीज कॉम्बिनेशन तो नेक्स्ट लिख लो केस 4 LCR सीरीज कॉम्बिनेशन और ये अच्छे से अगर समझ लोगे तो सारी चीजें हर सर्किट लग जाएगा क्योंकि ये मोस्ट जनरल सर्किट है LCR सीरीज कॉम्बिनेशन L भी है C भी है R भी है और ऐसा एक सर्किट क्योंकि एलिमेंट सीरीज में है ऐसे एक सर्किट को मैंने AC सोर्स से कनेक्ट किया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी तो नेक्स्ट लिख लेना केस 4 LCR सीरीज कॉम्बिनेशन इस टाइप का फिगर बना लेना अब लॉजिक हम यहां पे ये लगाते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें वोल्टेज सोर्स पे जो लगाया गया वो जरूरी नहीं कि LCR में सेम ही जाए लेकिन किसी भी मोमेंट पे जो करंट जा रही होगी वही करंट वही चार्ज L से निकल के C में जा रहा है वही चार्ज R में जा रहा है
तो वोल्टेज का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इतना भरोसा है कि जो करंट यहाँ पे होगी वही करंट यहाँ पे होगी, वही करंट यहाँ पे होगी, क्योंकि सीरीज है। और सीरीज समझ लो ना, जितना चार्ज यहाँ उतना चार्ज यहाँ उतना चार्ज है, क्योंकि किरचॉफ लॉ तो फॉलो होगा ना, जितना चार्ज जंक्शन पे आता है उतना जाता है। तो एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बिगिनिंग यही से करेंगे कि हर एलिमेंट में करंट सेम। बोलो बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो वोल्टेज क्या क्या होगा? तो वोल्टेज तो किसी हालत में सेम हो ही नहीं सकते फिर तो। करंट सेम है भाई, करंट जीरो है तो सब में जीरो है, करंट मैक्सिमम है तो सब में मैक्सिमम है, करंट जीरो है तो सब में जीरो है, बट वोल्टेज कैसे? तो एक बात बताओ, अगर करंट इंडक्टर में बात की जाए, इंडक्टर में, तो इंडक्टर में करंट सी आई वी आई एल, इंडक्टर में करंट वोल्टेज के साथ, इंडक्टर के वोल्टेज के साथ, इसके वोल्टेज को वीएल बोलते हैं, इसके वोल्टेज को वीसी बोलते हैं, और इसके वोल्टेज को वीआर बोलते हैं। और मैं तुमको तीनों के बिहेवियर पूछ रहा हूँ, उसी ऑर्डर में पूछ रहा हूँ, पहले आर पूछूंगा फिर सी फिर एल, आर से स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ रजिस्टर में वोल्टेज करंट से कितने आगे होता है? 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे की सेम फेज? सेम फेज सर, सेम फेज। लिखता चलता हूँ, तुम भी लिखते चलता अपनी कॉपी में समझने के लिए, सेम फेज। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज। अगला कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, तो उल्टा करके मुझे बताओ, करंट रेफरेंस है, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, यानी कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे है। करंट को फिक्स रखो, वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो मैं उल्टा कर रहा हूं इसलिए मैं रुक के कर रहा हूं। इंडक्टर में, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे है, ये देखो तो मैं सामने दिखा रहा हूं, इंडक्टर में ये देखो करंट जो है पीछे और वोल्टेज आगे, देखो करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, तो करंट फिक्स है वोल्टेज आगे 90 डिग्री लीड। ये सब वोल्टेज के लिए लिखा है, वोल्टेज के लिए लिखा है, करंट को फिक्स करके इस बार वोल्टेज को हम आगे पीछे कर रहे हैं। पहले यहां पे मैं रुक जाता हूं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बोलो ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक, आगे बढ़ जाओ, फिगर बना लिया सबने? यस चलो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा सर्किट रीड्रॉ कर लेता हूं और एक तुमको बात बोलने जा रहा हूं कि अब तुम थोड़ी देर करंट पे फोकस करो, थोड़ी देर सिर्फ करंट पे फोकस करो। ये हमारा सर्किट है, ये सर्किट है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां नहीं लिख रहा मैं, एल सी आर में करंट जो सेम मान रहा हूं उसको मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके वोल्टेज को मैं लिखने वाला हूं वी एल, इसके वोल्टेज को लिखने वाला हूं वी सी, इसके वोल्टेज को लिखने वाला हूं वी आर। अब बताओ बेटा मैं वी आर से स्टार्ट करने वाला हूं, सबसे पहले वी आर, वी आई नॉट जो होती थी वो वी नॉट बाई आर होती थी, तो वी आर में इसकी पीक वैल्यू वी नॉट, V नॉट लिखा मैंने I नॉट R, साइन करंट अगर I नॉट साइन ओमेगा T इसमें जा रही है तो करंट तो रजिस्टर में वोल्टेज के साथ सेम फेज में होती है, तो अगर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T है तो वोल्टेज भी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T होगा करंट के साथ सेम फेज। हाँ वोल्टेज है तो सीधे I नॉट थोड़ी ना लिख दोगे भाई, I नॉट इंटू R करोगे ना वोल्टेज की पीक वैल्यू के लिए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं वी आर को ये लिख दूं तो अब मैं लिखने जा रहा हूं वी सी, कैपेसिटर में वोल्टेज, कैपेसिटर याद है मैंने कैपेसिटर में करंट को 90 डिग्री आगे दिखाया था सबसे पहले, ये सबसे पहले जो लास्ट क्लास में, कैपेसिटर में करंट आगे 90 डिग्री, और मैंने बोला था कि इससे फर्क नहीं पड़ता रेफरेंस किसको मान लो, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, तो इसका मतलब ये भी है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, ये देखो दोनों फिगर बने हैं, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, तो इसका मतलब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे,
वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से, करंट करंट कितनी, आई नॉट, तो आई नॉट इंटू एक्ससी, एक्ससी वन अपॉन ओमेगा सी होता, होने दो, आई नॉट एक्ससी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सी आई वी आई एल, कैपेसिटर में करंट आगे वोल्टेज पीछे, इसलिए वोल्टेज को करंट से पीछे कर दिया। करंट क्यों ले रहे हैं रेफरेंस, क्योंकि करंट ही तीनों में सेम है, करंट ही का तो भरोसा है, वोल्टेज का कोई भरोसा नहीं, वोल्टेज तो अलग अलग है, करंट का भरोसा, करंट तीनों में सेम फेज में, जब जीरो होगी तो तीनों में एक साथ जीरो, मैक्सिमम होगी तो तीनों में एक साथ, क्योंकि चार्ज थोड़ी ना घटते, यहाँ पे जीरो होगा यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, चार्ज तो भाई कंजर्व रहता ना, अगर यहाँ पे जीरो कूलम है तो यहाँ पे अपने आप 10 कूलम कैसे पैदा हो जाएगा, चार्ज तो अगर यहाँ 10 है यहाँ 10 है यहाँ 10 है यहाँ 20 है यहाँ 20 है यहाँ 20 है, इसलिए करंट को रेफरेंस ले रहे हैं। क्या लिखा मैंने, ये वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, वोल्टेज नॉट करंट, वोल्टेज, वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब लास्ट है इंडक्टर, इंडक्टर में करंट पीछे वोल्टेज आगे होता है, तो मैं लिखूंगा आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और यहां पे वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, वोल्टेज ये देखो यहां पे सी आई वी आई एल, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री करंट से लीड करता है, इसलिए मैंने वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री, ये मेरी करंट लिखी है, इससे इस करंट से 90 डिग्री लीड करा दिया। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत, लिख लो सब, लिख ले सबने। सर ये I not X है, सर मतलब पीक वैल्यू लिख के एम्पलीट्यूड ये लिख रहे हैं ना? हाँ बेटा, कोई भी हम लोग ऐसे तो लिखते हैं, V equal to V not sin omega t, तो ये V not है, पीक वैल्यू है। ओके सर। तो ये L, ये C, ये R, ये VL, ये VC, ये VR, तो किसी भी मोमेंट पे जो नेट वोल्टेज है वो है VL प्लस VC प्लस VR, किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है VR, I not R sin omega t, VC I not XC sin omega t minus pi by 2, VL I not XL, ये XC था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पिछले से उठा के जस्ट वैल्यूज रख दी। अब मुझे ये बताओ, ये फेजर है, ये फेजर है, ये फेजर है, तीन फेजर है, फेजर को जोड़ने के लिए तुम लोगों को मैंने क्लास में सिर्फ और सिर्फ फेजर बताई थी, और दो भी जुड़वाई याद है, फेजर अलजेब्रा फैक्टर की तरह जोड़ना, 120 डिग्री वाला क्वेश्चन भी करवाए थे। अब आज उसका सबसे बड़ा यूज करने की बारी है, उस फेजर अलजेब्रा का, ये साइनोसॉइडल फेजर है, इनको जोड़ना है, लेकिन फेजर मतलब वेक्टर की तरह जोड़ने में, ये जो पीक होता है, ये वाली चीज, एम्पलीट्यूड ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये बनता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो एंगल है, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, ये बनता है वेक्टर के बीच में एंगल, एक दो तीन, तीन वेक्टर बनाने जा रहा हूं, तीन वेक्टर बनाने जा रहा हूं, तीन वेक्टर बनाने जा रहा हूं, और सबसे पहला मैं एक काम करूंगा, रेफरेंस सेट करूंगा, रेफरेंस क्या है, ये है रेफरेंस करंट, करंट I is equal to I not sin omega t, ये रेफरेंस है। अब सबसे पहले मैं ये बनाने जा रहा हूं I not R, I not R, ये I not R क्या है, रजिस्टर में पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये बताओ करंट के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे की, सेम फेज, सेम फेज, सेम फेज, ये रहा सेम फेज आई नॉट आर, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज और करंट जैसे हम लोगों ने कई सारे फिगर में बनाए थे ना,
वोल्टेज और करंट एक साथ ही देखो, सबसे शुरुआत से देखो, सबसे शुरुआत से देखो, ये देखो ये देखो, ये रजिस्टर में ये देखो बनाए थे ना वोल्टेज और करंट, देखो दोनों वेक्टर सेम लाइन में, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं, और मिलाते चलो। इंडक्टर और कैपेसिटर में भी बनाए हैं, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में 90 डिग्री का एंगल दिखाया है, एक में 90 डिग्री आगे एक में 90 डिग्री पीछे। अब उस सारी चीज जो अभी तक सीखी है उसको लगाने की बारी आ गई, ये बना आई नॉट आया। अब आते हैं आई नॉट एक्सी, ये सेम फेज में है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक है कि 90 डिग्री क्लॉक है, इसका क्या मतलब? एंटी क्लॉक तो प्लस होता है, माइनस है तो क्लॉक है। ये आई नॉट एक्सी, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, रजिस्टर का वोल्टेज करंट के सेम फेज में, सेम फेज में, और जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री प्लस होने की वजह से इधर, ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये इंडक्टर का वोल्टेज, और ये रही उसकी वैल्यू आई नॉट एक्सेल। तीन वेक्टर बने हुए हैं, और वेक्टर दिखाते हो पूरा, ये आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, आई नॉट एक्सी, ये सब नहीं लिखते हो, सिर्फ पीक वैल्यू दिखाते हो, ये पीक वैल्यूज हैं, और पीक वैल्यू जोड़ जोड़ घटा के भी पीक की वैल्यू बनेंगी, और वो पीक वैल्यू बनाने जा रहा हूं। सब कुछ तो बना हुआ है, ये करंट बनी हुई है, ये तीन वोल्टेज की पीक वैल्यूज बनी है। अब मुझे बताओ आई नॉट आर और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री था, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, लेकिन दोनों का आपस में कितना फेज डिफरेंस है? I not XL और I not XC का 180 डिग्री, yes 180 डिग्री याद है, सेम 180 डिग्री याद करो, मैंने कई बार बोला था 180 डिग्री फेज जब भी आए, जब भी आए मैंने बोला था आएगा एक दिन, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, अपोजिट नेचर को 180 डिग्री बोलते हैं। तो अगर I not XL ऊपर प्लस मान लें तो I not XC नेगेटिव है, I not XC बड़ा मान लें तो अब दोनों को अपोजिट है तो होना तो देखो एरो अपोजिट है तो वेक्टर में अपोजिट में सब्ट्रैक्शन ही होता है। अब डिपेंड करता है अगर XL XC से बड़ा हो तो ऊपर की तरफ आएगा नेट वेक्टर, XC XL से बड़ा हो तो नीचे आएगा, और दोनों बराबर हो तो इन दोनों का नेट जीरो आएगा। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है ओम में XL XC दोनों का सेम आए तो उस सर्किट में सारी की सारी करंट, सारे का सारा वोल्टेज सेम फेज में आ जाएगा। सेम फेज में आने का मतलब 50 पावर फैक्टर मैक्सिमम, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम, तब हम बोलेंगे सर्किट में रेजोनेंस आ गया। क्यों? क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर से ज्यादा या कैपेसिटर इंडक्टर से ज्यादा तो उस केस में इन दोनों का एक नेट आएगा, या तो ऊपर या तो नीचे, और अगर ऊपर आया या नीचे आया तो एक वोल्टेज इधर और एक नेट वेक्टर इधर, इन दोनों का नेट वेक्टर सम इधर आएगा कुछ ऑब्लिक एंगल या नीचे आएगा ऑब्लिक एंगल, और अगर ऑब्लिक में आया तो वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस होगा, फाई होगा, फाई होगा, तो कॉस फाई की वैल्यू जीरो पे तो मैक्सिमम होती है, बट जीरो से 90 के बीच में मैक्सिमम से तो कमी होती है, यानी कि पावर जो फैक्टर है वो कॉस फाई, वो वीआरएमएस आरएमएस तो फिक्स वैल्यू है, सब कुछ तो कॉस फाई डिसाइड करता है, तो फाई अगर जीरो से 90 के बीच का एंगल है तो कॉस फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम है, यानी कि सर्किट में पावर कंजम्पशन कुछ कम हो रहा है। तो मान लो रजिस्टर ही ना होता, खुद ही बताओ, अगर रजिस्टर ही ना होता, सिर्फ इंडक्टर होता तो देखो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, सिर्फ कैपेसिटर होता 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, सिर्फ रजिस्टर होता, ये दोनों ना होते सेम फेज, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम। लेकिन अगर सर्किट में आर एल सी तीनों हैं तो तीनों का नेट जुड़ के या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा वेक्टर, तो उस केस में कुछ फाई होगा, पावर फैक्टर होगा, उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि पावर पूरी मैक्सिमम रेट से कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो यही बताता है पावर फैक्टर, कि पावर किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, और एल ओ सी जो है वो जब होते हैं सर्किट में तो पावर फैक्टर घटा देते हैं। लेकिन अगर एल सी ऐसी वैल्यू पकड़ लिए कि है भी एल ओ सी और दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिए, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं, तो उस सर्किट में एल ओ सी होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में वोल्टेज आई नॉट आर जो होगा उसमें सेम फेज में आ जाएगा करंट के साथ, और उस केस में नेट वोल्टेज भी करंट के साथ सेम फेज में आने से कॉस फाई, फाई जीरो, कॉस जीरो वन, पावर पूरी मैक्सिमम रेट से कंज्यूम होता है। अभी हम लोग इन जनरल कर रहे हैं, अभी सारी बातें हटा दो, एक मान लेते हैं कि एक्सएल एक्सी से बड़ा है, कुछ तो मानना ही पड़ेगा वेक्टर बनाने के लिए, तो एक नेट वेक्टर ऊपर आ रहा है आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, और एक इधर आ रहा है वेक्टर आई नॉट आर, और इन दोनों का वेक्टर सम करना है। तो तुमको मालूम है वेक्टर कैसे करते हैं यार, सब ये पैरेललोग्राम बना लो या इस वेक्टर को इधर ले आओ, दोनों केस में नेट वेक्टर ये आएगा, ये है मेरा वी नेट, नेट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू,
वी नेट नॉट, नॉट से मैक्सिमम वैल्यू। अब ये बताओ मुझे पाइथागोरस से अगर ये आई नॉट आर है और ये आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी है तो नेट वोल्टेज की जो पीक वैल्यू, सब कुछ पीक ही तो है क्योंकि यहाँ पे तो पीक ही मिलता है, एम्पलीट्यूड ही मिलता है, तो ये क्या नेट वोल्टेज की पीक वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं अंडर रूट आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी का, ऊपर एक्सएल है ये एक्सी है, एक्सएल माइनस एक्सी का I not XL minus I not XC का होल स्क्वायर अंडर रूट है पूरे में। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आ रही है ये जो मैंने लिखा है? Yes. Sin omega t plus pi by 2 नहीं होगा? कौन सा? XC में सर। XC में ये बेटा लिखा क्या? ये तो देखो, ये करंट नहीं लिखी है, ये वोल्टेज लिखा है। करंट है ये I is equal to I not sin omega t। अब बेटा तुम ये बताओ ये दोनों तुम्हारे सामने लिखे हैं, करंट I इक्वल टू I नॉट sin omega t किसने किया? मैंने मानी I इक्वल टू I नॉट sin omega t। शुरुआत वाला फिगर V इक्वल टू V नॉट sin omega t मैंने बोला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी ये ध्यान दो I इक्वल टू I नॉट sin omega t मैंने अज्यूम की है। क्यों अज्यूम की? क्योंकि दोनों में, तीनों में करंट सेम है, वो V इक्वल टू V नॉट sin omega t उस पे भी ले आऊंगा मैं, अभी बोल दूंगा मैं आगे पीछे वाला, अभी तुम समझ, अभी I इक्वल टू I नॉट sin omega t इस पे फोकस करना, ये तुम्हारे सामने लिखा है। अब खुद बताओ अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे। बोलो बेटा ऐसा होता है क्या? कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है कि कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है? पीछे। हाँ, इसीलिए माइनस है, इसीलिए माइनस है। और इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है इसलिए 90 डिग्री प्लस है। रजिस्टर में सेम फेज में होता है इसीलिए जीरो है। एक बार फिर से देख लो सब लोग, लिख लो इसको तो मैं आगे बढ़ू। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, फेजर सम। सर ये क्या लिखा आपने? एक्स और वाई एक्सिस पे इंड्यूस्ड वोल्टेज। एक्स और वाई एक्सिस पे, अरे मतलब ये आई एन डी क्या है? ऊपर एक्सएल के ऊपर, एक्सएल के ऊपर, एक्सएल के ऊपर। ये इंडक्टर का वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज, ये लिखा है कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है सर, ठीक है। रजिस्टर वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज, कैप्चर वोल्टेज, तीनों के वोल्टेज लिखे हैं कहाँ कहाँ आएंगे। रजिस्टर वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज। सर सर यहाँ पर आपने डायरेक्ट किरचॉफ लॉ क्यों नहीं लगाया था सबसे पहले? लगाया है तो है, किरचॉफ लॉ लगा के तो ये आई है चीजें, बट किरचॉफ लॉ भी यही इक्वेशन देता। देखो किरचॉफ लॉ लगाते तो क्या लिखते, ये लिखते V, फिर यहाँ पे लिखते आई नॉट आर कुछ ऐसा टर्म आता, फिर यहाँ पे एक आता आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, एक आता यहाँ पे I not XL sin omega t plus pi by 2, तो यही तो टर्म आ जाता V minus VL minus VC V plus minus VL minus VC minus VR is equal to 0, Kirchhoff equation V minus VL minus VC minus VR 0, VL की जगह तब भी यही लिखते, VC की जगह तब भी यही लिखते, VR की जगह तब भी यही लिखते। अब तक क्या था कि सिर्फ एक टर्म होता था तो इजिली डील हो जाता था, अब तो तीन टर्म आएंगे ना साइनोसॉइडल,
तो उन तीन साइनोसॉइडल को किरचॉफ लॉ लगाने के बाद क्या करोगे? किरचॉफ लॉ साइनोसॉइडल को जोड़ना तो ही ना बताता है, जोड़ना तो साइनोसॉइडल को फेजर या ट्रिग्नोमेट्री से पड़ेगा। सर ये पीक कैसे निकलेगा हमारा? अच्छा पीक, अच्छा ये बताओ बेटा, जब हम किसी जैसे मान लो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एक फेजर है, उसका जब हम फेजर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाते हैं? आई दिखाते हैं कि आई नॉट दिखाते हैं? आई नॉट। चलो यहाँ तक हो गया सबका, तो आगे बढ़ो बेटा, देख लिया सबने? हाँ सर। हेलो रेजोनेंस में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, सबने लिख लेना, किसी को दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो तो जहां पे मैंने छोड़ा इसी फिगर को मैं दोबारा बनाने जा रहा हूं, ठीक है, बड़ा सा बनाने जा रहा हूं क्योंकि ये फेजर डायग्राम तुमको क्वेश्चन बनाते वक्त जरूरत पड़ेगी। आई नॉट फिर दिखा रहा हूं, ये था आई नॉट आर, करंट से 90 डिग्री आगे आई नॉट एक्सएल, पीछे आई नॉट एक्सी, आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, इनका वेक्टर सम, वेक्टर सम कुछ ऐसे आया। अब ये रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सारे तीनों वोल्टेज, ये एक है ये दो का नेट, तो दो को तुमने एक में लिख लिया है, तो एक ये और दो ये। अब ये बताओ आई नॉट आर और ये आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90. अब जो मैं नेट लिखने जा रहा हूं, नेट की भी ऑब्वियसली पीक आएगी क्योंकि रजिस्टर का पीक है, ये एक्सएल माइनस एक्सी इंडक्टर और कैपेसिटर का नेट पीक है, तो नेट का जो पीक, वही फेजर में ये जो वेक्टर बनते हैं ये एम्पलीट्यूड ही होते हैं हमेशा, तो जो मेरा नेट वोल्टेज आएगा वो नेट वोल्टेज का पीक जो आएगा वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, वेक्टर से कितना अंडर रूट आई नॉट आर का होल स्क्वायर। अब मैं सिर्फ एक काम कर लेता हूं, मैं आई नॉट को पूरे से बाहर ले लेता हूं क्योंकि आई नॉट तो बार बार आ ही रहा है स्क्वायर, तो आई नॉट अगर बाहर ले ले तो एक बचेगा टर्म आर स्क्वायर, आई नॉट आर का होल स्क्वायर से, और एक आई नॉट तो यहां पे भी आ रहा था स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया, तो एक बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसी को देखो ध्यान से, इससे आई नॉट स्क्वायर, इससे भी आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट बाहर ले लिया, तो इधर से बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, तो जो मैक्सिमम पीक होता था जिसको हम लोग विनॉट बोलते थे, वो विनॉट तो आई नॉट जेड होता था, जेड हमने डिफाइन ही ऐसे किया था, विनॉट बाई आई नॉट, बोलो बेटा। yes, ये विनॉट पीक यानी कि विनॉट लिखा हुआ है, इस आई नॉट को इधर ले आओ, इस आई नॉट को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा जेड इज इक्वल टू विनॉट बाई आई नॉट, इधर ले आए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। याद रखने के लिए हमेशा याद ऐसे रखना, आर दिखाओ ऐसे, इधर एक्सएल दिखाओ, इधर एक्सी दिखाओ। अब फर्क नहीं पड़ता कि एक्सएल एक्सी से बड़ा तो एक्सएल माइनस एक्सी करोगे या एक्सी एक्सएल से बड़ा तो एक्सी माइनस एक्सएल करोगे, बट दोनों केस में ये आर और ऊपर की तरफ एक्सएल माइनस एक्सी, दोनों केस में लगाना तुमको पाइथागोरस ही है, तो ये जो आता है ये जेड आता है, जेड आएगा इस सर्किट में, इस फेजर डायग्राम में जेड आएगा आर और एक्सएल से, ये वोल्टेज से, तो वोल्टेज का पीक आ रहा था और इससे निकला जेड, क्योंकि जेड में वी बाई आई नहीं होता था, पीक का ही रेशियो होता था या आरएमएस का रेशियो होता था, जेड आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस आर है और वाई एक्सिस में एक्सएल माइनस एक्सी है। और इससे परेशान होना कि अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा हो तो आंसर अलग आया क्या?
भाई एक्सी एक्सएल से बड़ा हुआ तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है, बट फर्क पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आता है, तो वो अपने आप वो वैल्यू एडजस्ट कर लेगा। तो एक्सएल एक्सी से बड़ा हो चाहे एक्सी एक्सएल से बड़ा हो, तुमको फॉर्मूला यही याद रखना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये इंपिडेंस है। अब मैं जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, मैं तुमसे बोल रहा हूं ये एलसीआर सर्किट का जनरल इंपिडेंस है। अगर खुद ही बताओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो एलओसी ना होते तो एक्सएल एक्सी जीरो होता, तो अपने आप इंपिडेंस जेड की वैल्यू आ जाती। अगर सिर्फ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता यानी कि एक्सएल आर ना होते तो आर जीरो होता, एक्सएल जीरो होता तो माइनस एक्सी का स्क्वायर एंड उड़ जाता तो जेड की वैल्यू एक्सी आ जाती। अगर सिर्फ इंडक्टिव होता सर्किट तो एक्सी ना होता आर ना होता तो जेड एक्सएल आ जाता। और अगर मान लो एल आर जो मैंने नहीं कराया लेकिन बेटा तुम देखो इधर से एल आर भी सी हो जाएगा, अगर एल आर सर्किट होता सी ना होता तो एक्सी जीरो कर दो बाकी एक्सएल स्क्वायर तो बचता तो जेड आता अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर आर सी सर्किट होता तो यह आता जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। और अगर एल सी आर तीनों होते तो ये आता, और अगर एल सी सर्किट होता आर ना होता एल सी होता आर ना होता तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो तुम्हें मालूम है अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो जेड आता एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड। मॉड इसलिए लगाना जरूरी ना ताकि एक्सएल एक्सी से बड़ा हो तो एक्सएल माइनस एक्सी करो, अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा हो तो एक्सी माइनस एक्सएल कर लो, बड़े से छोटा सब करो। तो सारे सर्किट का इंपिडेंस यही फॉर्मूले से निकला है, कोई भी एलसीआर हो एलआर हो आरसी हो एलसी हो प्योरली रेजिस्टिव कैपेसिटिव इंडक्टिव हो सबका इंपिडेंस यही से आता है। और दिख ही रहा है सब ओम 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 में, सब ओम में ही होंगे क्योंकि सब एक ही जैसी चीजें हैं। सर इससे पहले वाला पेज दिखा दीजिए सर, यहाँ पर आपने एक्सिस पर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है सर, सिर्फ आई नॉट होगा ना बेटा, रेफरेंस के लिए लिखा है कि साइन ओमेगा टी ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है ताकि साइन ओमेगा टी वाला था कि मैं इधर ही दिखा सकूं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 नीचे दिखा सकूं पाई बाय 2, ये समझने के लिए है, ये कोई टेक्निकल वैल्यू नहीं लिखी है, इसका कोई यूज भी नहीं है, तो खाली रेफरेंस के लिए लिखा कि I not sin omega t वाला टर्म इधर ही दिखाना है, प्लस वाले ऊपर दिखाने माइनस वाले नीचे दिखाने। आगे कर लीजिए बोलो बेटा, ये समझ में आ गया सबको इम्पिडेंस निकालना? अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, और इनफ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे तुम लोगों को समझ में आ जाए। बट लॉजिक समझ में आ गया कि हम एसी सर्किट में इम्पिडेंस निकालने के लिए, मैंने बोला था शुरुआत में कि रजिस्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन आर, इंडक्टर कैपेसिटर का एक्सएल एक्सी, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला था कि जेड जो होता है इन सबका आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी होता है, मैंने बोला इन सबका नेट होता है। अब नेट में मैंने ये नहीं बताया था कि इनको सीधे ऐसे जोड़ देते हैं, ये वेक्टर की तरह, इनफैक्ट वेक्टर नहीं बोला चाहिए, फेजर की तरह जोड़ते हैं, ये अपने आप में अलग चीज है, साइनसोइडल फंक्शन फेजर की तरह जोड़ते हैं।
ये जो फेजर अलजेब्रा मैंने एक दिन कराई थी वो इसीलिए कराई थी, तब हो सकता है तुम्हें यूजलेस लग रही हो, लेकिन आज के दिन वही सबसे ज्यादा काम आएगी। और ये हो जाए तो देखो हर सर्किट में मैं करता क्या हूं, हर सर्किट में फेज डिफरेंस और इंपीडेंस दो चीजें निकालता हूं, फिर पावर फैक्टर और बाकी बातें करता हूं। तो इंपीडेंस समझ लो तो मैं फेज डिफरेंस कर रहा हूं। हो गया सबका, हो गया, आगे बढ़ जाओ बेटा। यस सर। अच्छा चलो, तो देखो इसी फिगर को दोबारा बना रहा हूं, बार बार बनाऊंगा क्योंकि इसी फिगर में सारी चीजें छिपी हुई है। ये जो बार बार फिगर बना रहा हूं उसी में सब छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है इस बार मेरा, मैं बना रहा हूं, ये देखो ये थी I नॉट, ये था रेजिस्टेंस वाला V नॉट R, ये था V नॉट L, ये था V नॉट C। V नॉट C को हमने डील कर लिया था और ये हमने दिखा दिया था V नॉट L माइनस V नॉट C, और ये आया था इनका नेट, नेट का नॉट, नेट का पीक वैल्यू। अब करंट तो ये इनिशियल जो करंट थी वही सब में करंट है, करंट तो वही है, इसी को मैं सिर्फ दो चीजें दिखा रहा हूं। अब जाओ भाड़ में जाओ सारी इंडिविजुअल वोल्टेज, सिर्फ नेट वोल्टेज, ये है नेट वोल्टेज, ये उसकी पीक वैल्यू, ये करंट की पीक वैल्यू। अब मुझे बताओ क्या एक सर्किट जिसमें आर भी है, एक्सएल भी और एक्सी भी और नेट इधर आ रहा है, तो क्या उसमें नेट वोल्टेज करंट के सेम फेज में आ रहा है, 90 डिग्री में आ रहा है, कि 0 से 90 के बीच में आ रहा है? 0 से 90 में आ रहा है। हाँ, ये फेज डिफरेंस है फाई। पहली बार, अब तक तो हम हर क्वेश्चन में आया तो फेज डिफरेंस 0 आता था या 90 आता था, पहली बार 0 से 90 के बीच में आ रहा है। एक LCR सर्किट में यू गेट ए फेज डिफरेंस फाई बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और जैसा फिगर मैंने बनाया है, जरूरी हमेशा ऐसे ही बने, हो सकता है कि नेट वोल्टेज, हो सकता है कि नेट वोल्टेज ऐसे आए, और ये तब आएगा जब तुम्हारा वीसी डोमिनेट करेगा, क्योंकि अगर वीसी डोमिनेट करता तो तुम इसका और इसका वेक्टर समझो निकालते तो इधर आता क्वाड्रेंट में, तब ये करंट से फाई इधर बनाता। बट इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, तो इस वाले उस वाले में डिफरेंस ये है कि इस वाले में वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है या करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, दोनों में से कोई बोल सकता हूं, इसमें वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड्स करंट, इसमें क्या है वोल्टेज करंट से पीछे चल रहा है, तो वोल्टेज लैग्स करंट, लैग्स करंट, कितने फेज डिफरेंस है फाई, कितने फेज डिफरेंस है फाई इस वाले में और ये इस वाले में। मुझे बताओ मैं इस फाई की वैल्यू कैसे निकालूं, जीरो नहीं है 90 नहीं है बट कैसे निकालूं? तो बेटा फाई की वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ तो मेरे सामने इस फिगर पे ही है, फाई की वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ तो मेरे पास ही है, ये आर है, ये एक्सएल माइनस एक्ससी है, ये जेड है जो कि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर आया है, ये फाई है। तो मैं cos phi भी निकाल सकता हूं, मैं tan phi भी निकाल सकता हूं, मैं sin phi भी निकाल सकता हूं, cos phi base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, इधर से देखो cos phi base upon hypotenuse, जो चाहो वो करो, तुम्हारी मर्जी, v not r upon v net not कर दो, करोगे तो अल्टीमेटली v not r को i not r ही, और v net not को भाई नेट है तो i not z ही लिखोगे, आना तुम्हारा बेटा वही है, i not से i not कट जाना है और ये बचना r by z, पर यहां से भी तो यही दिख रहा है cos phi is equal to base upon hypotenuse r by z, यही सर्किट का पावर फैक्टर होता है r by z, z की वैल्यू r से ज्यादा आती है, cos phi की वैल्यू 1 से कम आती है, इसीलिए पावर पूरी तरीके से मैक्सिमम रेट से नहीं कंज्यूम होता। tan phi perpendicular upon base, यहां से भी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, V नॉट L माइनस V नॉट C अपॉन V नॉट R, तो कई बार तुमको वोल्टेज से निकालना होगा फेज डिफरेंस, तो बेटा वोल्टेज से वाला डायग्राम बना लेना, ये वोल्टेज वाला फेजर डायग्राम है और ये तुम्हारा इंपीडेंस वाला फेजर डायग्राम है, दोनों बन सकते हैं,
जिससे चाहो उससे करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर वैल्यूज ही वोल्टेज की दी है तो ये करना, इंपेडेंस की रेजिस्टेंस की वोल्टेज दी है तो ये करना। इसमें सब जगह I नॉट रख दो, I नॉट कट जाएगा तो आ जाएगा XL माइनस XC बाई R। ये देखो यहां से भी आ रहा है cos 10 phi perpendicular upon base XL माइनस XC बाई R, XL माइनस XC बाई R। तो फेज डिफरेंस 10 इनवर्स XL माइनस XC बाई R, ये हो गया फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। लेकिन फेज डिफरेंस का करेंगे क्या, फेज डिफरेंस का करेंगे क्या? तो अब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुमने करंट को लिखा है I is equal to I naught sin omega t, ये है केस वन, ये है केस टू। अब मुझे बताओ क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, ये अगर तुम बता दो सही तो सब सही है। अगर पहले केस में मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, अगर I is equal to I naught sin omega t रेफरेंस है तो पहले केस में वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिखूंगा, I naught Z, Z कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ साइन ओमेगा टी लिखूं, साइन ओमेगा टी प्लस जीरो लिखूं मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं लिखूं, प्लस 90 लिखूं, माइनस 90 लिखूं, माइनस 5 लिखूं कि प्लस 5 लिखूं इस केस में? प्लस 5 ये पहले केस में। और दूसरे केस में यही करंट है I इज इक्वल टू I नॉट sin omega t, यही करंट है I इज इक्वल टू I नॉट sin omega t, बट इस बार वोल्टेज देखो फाइव नीचे जा रहा है। दूसरे केस में V इज इक्वल टू I नॉट Z साइन ओमेगा टी माइनस 5 लिख लो। तो लीडिंग है या लैगिंग है वो तो एक्सएल एक्सी की वैल्यू डिसाइड करेंगे। देखो ये फाइ ऊपर क्यों गया था, क्योंकि एक्सएल ज्यादा था, सही बात है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे आगे चलता है, तो अगर सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर पे डोमिनेट कर जाए तो अपना बिहेवियर छोड़ देगा सर्किट पे, इसलिए वोल्टेज करंट से आगे चलेगा। ये कब था, जब एक्सी ज्यादा था, ये कब था जब एक्सी ज्यादा था, सी ज्यादा था, ये कब था जब एल ज्यादा था। जब सी ज्यादा होगा तो कैपेसिटर अपनी छाप छोड़ देगा, और कैपेसिटर अपनी छाप को छोड़ देगा तो करंट आगे वोल्टेज पीछे, तो उसके बेसिस पे तुम्हारा एक फेज डिफरेंस आता है, तो उसकी वैल्यू तुम कॉस फाई से निकालोगे तो आर बाई जेड, टेन फाई से निकालोगे तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई। लिखिए yes, no,
हो गया सबका हो गया आगे बढ़ जाएं सर कॉस एक सेकंड और पावर फैक्टर है ना हाँ कॉस फाइव पावर फैक्टर है यही इसी फेज डिफरेंस फाइव का जो कोसाइन होता है वही पावर फैक्टर होता है और पावर फैक्टर आर बाय जेड होता है जो पहला सर्किट किया था प्योरली रेजिस्टिव yes, तुम खुद yes. उसमें देखो जेड की वैल्यू आर होती है तो तुम देखो ऊपर आर नीचे आर आर से आर कट गया वन तो पावर फैक्टर वन आ गया जो प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट होते हैं उनमें रजिस्टर होता ही नहीं है आर जीरो होता है देखो उनमें अपने आप देखो कॉस फाई की वैल्यू जीरो आ जा रही है yes. अब हो गया आगे बढ़े yes, yes, तो देखो अब मैं सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले सर्किट में हम लोग V is equal to V naught sin omega t लेते थे और फिर अचानक से इन्होंने I is equal to I naught sin omega t ले लिया बट ऐसा करने की वजह ये थी क्योंकि LCR आपस सीरीज में थे इसलिए करंट को रेफरेंस मान लिया और माना पड़ेगा क्योंकि हम वोल्टेज कैसे तीनों में सेम मान लें वो तो गलत हो जाएगा यार वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन अब हम फिर से वापस आ जा रहे हैं V is equal to V naught sin omega t पूरा हमने चैप्टर इस पे V को रेफरेंस मान के किया है तो अब देखो मैं फिर से वापस आया अब तुम आराम से झट से सारी चीजें बता दोगे अगर तुम ये समझ जाओ कि अगर एक चीज को आगे बोला जा रहा है तो दूसरी चीज को बाय डिफॉल्ट समझ लो कि पीछे अगर एक सर्किट LCR सर्किट में V is equal to V naught sin omega t लगाया गया इन तीनों में करंट आए जो कि सेम फेज में है लेकिन इन तीनों के वोल्टेज सेम फेज में नहीं है VL VC VR लेकिन तब भी इस सर्किट का जो जेड हम लोगों ने निकाला इंपेडेंस वो तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है तब भी इस सर्किट में एक फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में आर बाई जेड है कौन आगे कौन पीछे मैंने नहीं बोला कॉस फाई आर बाई जेड है टेन फाई की वैल्यू एक्सएल मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर है मॉड लिख दिया अब क्या करो तीन फेज तीन केस में तुमको बता रहा हूं तीन केस सॉल्व करने के बाद ये सर्किट था आर एक्सएल एक्सी इसे थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं क्योंकि तीनों केस में कॉमन है तो यहां बना देता हूं ऊपर जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था आर एक्सएल एक्सी तीन पॉसिबिलिटी होंगी या तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ जाए यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर बचे और नेट एक्स का जीरो हो जाए तो उस केस में फेज डिफरेंस जीरो आ जाए तो अगर फेज डिफरेंस जीरो आ जाए और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और मुझे करंट को लिखना है तो मैं लिखूंगा सीधे सीधे करंट को आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज करंट सेम फेज में वोल्टेज करंट सेम फेज में फेज डिफरेंस जीरो आ रहा है आई नॉट कितना है आई नॉट वी नॉट बाई जेड है जेड कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है ये अलग बात है कि एक्सएल माइनस एक्सी जब एक्सएल एक्सी सेम ही है तो जेड में सिर्फ आर बचेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई आर ये पहला केस है यहां तो कोई फेज डिफरेंस का इश्यू ही नहीं है लेकिन दूसरा केस जब एक्सएल एक्सी से बड़ा हो या तीसरा केस जब एक्सी एक्सएल से बड़ा हो उल्टा तब क्या करोगे अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो ये देखो ऊपर की तरफ भागेगा तो आर एक्सएल माइनस एक्सी और ये आएगा नेट ये किसका नेट है तो इंडक्टर जब होता है सर्किट में तो देखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या लिखवाया था प्योरली इंडक्टिव सर्किट में लिखवाया था कि करंट वोल्टेज से पीछे चलती है यानी कि वोल्टेज करंट से आगे चलता है ये है वोल्टेज ये है करंट वोल्टेज करंट से आगे चलता है
लेकिन वोल्टेज करंट से आगे चलने का मतलब ये चीज आगे है, जो भी करंट आएगी वो उससे पीछे होगी, कितना पीछे होगी, फाई। तो इस केस में लिख लो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब तुम ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये रेफरेंस है, अगर तुम वोल्टेज को रेफरेंस लो तो करंट को पीछे दिखा दो, अगर करंट को रेफरेंस लो तो वोल्टेज को पीछे नहीं फिर आगे दिखाओ, बात तो एक ही है ना। तो वोल्टेज को तुम रेफरेंस मान के करंट को पीछे दिखा रहे हो तब भी तुम करंट को पीछे बोल रहे हो, और करंट को रेफरेंस मान के वोल्टेज को आगे दिखा रहे हो तब भी तुम करंट को पीछे ही बोल रहे हो, तो बात एक ही है, लिखने का तरीका बदल रहा है खाली। और अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हो ये वो, तो देखो नीचे की तरफ आएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, ये आर है, ये आएगा नेट वोल्टेज, इधर आएगा जेड, तो फेज डिफरेंस नीचे आएगा। तो भाई जब कैपेसिटर डोमिनेट करता है तो सही बात है, नेट वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर में करंट से पीछे पीछे चलता है। ये देखो कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, तो करंट को फिर आगे कर दो, तो उसमें लिख लो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर दो। और इन दोनों केस में सेकेंड और थर्ड केस में आई नॉट वी नॉट बाई जेड है, और जेड दोनों केस में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। तो तुम एक क्या करो, जब भी आर एल सी के क्वेश्चन हो तो आर एल आर एक्सएल एक्सी से जेड निकाल लो, आर एक्सएल एक्सी से फाई निकाल लो, है? और दोनों केस में जो फाई है वो यही है, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी आर। अब वो फाई पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जैसे वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मैं फाइनली लिख दूं कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। इसमें फाई जीरो होगा अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, या XL is equal to XC। और इसमें phi पॉजिटिव कब होगा, तो देखो phi पॉजिटिव यानी कि करंट आगे, करंट को आगे कौन करता है, करंट किसमें आगे चलती है, देखो सिविल करंट किसमें आगे चलती है, सी करंट वोल्टेज से किसमें आगे चलती है, कैपेसिटर में। देखो XC XL से बड़ा हो, हाँ अगर XC XL से बड़ा हो कैपेसिटर का बिहेवियर डोमिनेट कर जाए तो करंट को प्लस कर दो, तो phi पॉजिटिव होगा, फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा, वोल्टेज से आगे आगे भागेगी करंट। और अगर कब भागेगी फाई पॉजिटिव, जब XC ग्रेटर देन XL यानी कि कैपेसिटर डोमिनेट कर जाए, और अगर इंडक्टर डोमिनेट कर जाए, इंडक्टर डोमिनेट कर जाए, ये देखो दूसरा केस इंडक्टर डोमिनेट करे तो इंडक्टर में करंट पीछे 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 पीछे, इसीलिए माइनस फाई, तो यानी कि वोल्टेज के रेफरेंस में करंट को पीछे कर देना, तो इसमें फाई निगेटिव कर देना। अब देखो तीनों केस, ये ले मेरे पास वोल्टेज लिखा था शुरुआत में, क्वेश्चन मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, बाद में मैंने आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा कर दिया था, अब मैं फिर से वापस ले आया ओरिजिनल क्वेश्चन पे, यही तो था, यही सबसे पहले फिगर बनाया था। अब मैं लिख दे रहा हूं कॉन्फिडेंटली कि ये सर्किट सॉल्व करने के बाद जेड ओ फाई निकालो, जेड वी नॉट बाई जेड करके आई नॉट निकालो, फाई यहां पर लिख लो। अब फाई क्या है, तो अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो तो फाई जीरो है, अगर एक्सी बड़ा है तो कैपेसिटर में करंट आगे आगे, तो उसको प्लस कर दो, और अगर एक्सएल बड़ा है, एक्सएल बड़ा है तो कैपेसिटर में करंट आगे, इंडक्टर में वोल्टेज आगे तो करंट पीछे, तो यहां पे माइनस कर दो, इंडक्टर में करंट में माइनस, कैपेसिटर में करंट में प्लस, और अगर इंडक्टर कैपेसिटर बैलेंस कर जाए, रेजिस्टर ही बचे, तो फाइव जीरो, सिंपल सी चीज है। इस फिगर को जो अभी इस पेज में लिखा है इसको दिमाग में बैठा लो, तो एलसीआर से हर क्वेश्चन लग जाएगा, एलसी आरसी है ना, एलआर, ये सारे के सारे इसी के बाई प्रोडक्ट हैं। सर ये बताइए सर, पहले हमने करंट को रेफरेंस माना, तो यहाँ पर वोल्टेज को रेफरेंस मान के करंट लिख रहे हैं ना? हाँ, और मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी से भी किसी को दूसरे को डिराइव किया जा सकता है, करंट को रेफरेंस मान के वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज को करंट मान के करंट निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कि ए बी से अगर नॉर्थ है तो बी ए से साउथ है, बिल्कुल ऐसा है सर। लेकिन वोल्टेज को रेफरेंस कैसे ले सकते हैं, तो चेंज हो रहा है ना सर सबके क्रॉस इंस्टेंट, वो देखो वीएल वीसी वीआर है, नेट वोल्टेज, ये वी जो है नेट वोल्टेज है, वीएल वीसी वीआर चेंज हो रहा है सबके क्रॉस, वीएल वीसी वीआर सेम पेज में नहीं है, ये है वीआर, ये है वीएल, ये है वीसी, ये तुमने जो बोला कि वो सब सेम पेज में नहीं, वो वीआर वीएल वीसी है, लेकिन ये नेट वोल्टेज है, इन तीनों का बाप, तीनों का ओवरऑल सम, वो वाला वोल्टेज। नेट वोल्टेज किसी भी समय इन वीएल वीसी वीआर का फेजर सम है, और नेट वोल्टेज वो तीनों में बट जाता है, लेकिन ऐसे नहीं बटता कि जोड़ दो,
इंस्टेंटेनियस जोड़ सकते हो, बट वो साइनसोइडल के टर्म में फेजर के टर्म में जोड़ के आता है। करंट तीनों में सेम है, वोल्टेज नहीं सेम है बट करंट तीनों में सेम है। ये वोल्टेज तीनों में थोड़ी ना जा रहा है, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी एल सी आर का वोल्टेज थोड़ी ना है, ये तीनों का नेट है, यही तो बढ़ता है वी एल वी सी वी आर में। सर और जो आपने I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था सर, वो तीनों में कांस्टेंट था ना? हाँ, करंट अभी भी तीनों में सेम है और उसकी वैल्यू ये है बस, करंट अभी भी तीनों में सेम है बट ये है वैल्यू उसकी। अब ये करंट करंट अभी भी तीनों में सेम, अभी ये नहीं बोले कि करंट अलग अलग, अभी भी बोले तीनों में सेम है, यही जा रही है बस। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तीनों में अभी भी करंट सेम है। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के कंट्रीब्यूशन सेम हो तो हमेशा याद रखना वो 180 डिग्री इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि रेजिस्टेंस किसी सर्किट में 30 ओम है और कैपेसिटर और इंडक्टर के 40-40 ओम 40-40 ओम है, तो अपने आप समझ लेना कि 40 ओम इंडक्टर 40 ओम कैपेसिटर को बैलेंस कर दिया, सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव है तो फेज डिफरेंस जीरो। अगर तुमने वोल्टेज को 220√2 sin 100 πt लिखा है तो करंट को भी sin 100 πt। लेकिन मान लो होता ऐसा कि रेजिस्टेंस 30 ओम है, इंडक्टर में 40 ओम है और कैपेसिटर में 20 ओम है, मतलब इंडक्टर ज्यादा है, तो अगर इंडक्टर ज्यादा है तो इंडक्टर का बिहेवियर डोमिनेट करेगा, और इंडक्टर ज्यादा है तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो वोल्टेज अगर sin 100 πt है तो करंट को पीछे sin 100 πt माइनस फाइव कर देना। फाइव कैसे निकालोगे, तो फाइव की वैल्यू निकालने के लिए cos फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड, जेड कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। लिख लो फिर एक क्वेश्चन कराऊं, एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा फिर तुम लोग करना। सर मतलब जिसका इंपेडेंस डोमिनेट करेगा सर, हाँ रिएक्टेंस वैसा बिहेवियर करंट शो करेगा, सर्किट वैसे बिहेवियर शो करेगा। अगर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस सर्किट में तो रेजिस्टेंस का बिहेवियर सेम फेज वाला, कैपेसिटर डोमिनेट कर जाए तो कैपेसिटर का करंट आगे आगे, अगर इंडक्टर का बिहेवियर डोमिनेट कर जाए तो करंट पीछे पीछे वोल्टेज आगे आगे। जब हम करंट पीछे बोलते हैं तो वोल्टेज आगे बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसमें। बोलो बेटा एक जल्दी से क्वेश्चन करा दूं? Yes. लिख लिया सबने? Yes. तो देखो मैं करूंगा ये क्वेश्चन, तुम बस आराम से देखो समझने के लिए, है ना। ये एक एसी वोल्टेज है 220√2, मेरा प्यारा बार बार यही लगाता हूँ, 220√2 sin 100 πt, क्योंकि अपने घरों में आता है तो इसी को मैं लगा देता हूँ प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझ के। रेजिस्टेंस है 30 ओम, इंडक्टर में 70 ओम और कैपेसिटर है 40 ओम। या एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, ऐसी वैल्यू बना देता हूँ जिससे मुझे ज्यादा पाइथागोरस लगाना थोड़ा सा इजी हो जाए। इसको मैं ले लेता हूँ 30-40, इसको ले लेता हूँ मैं 30 ओम, 70 में से 30 जाए 40। ये मेरा R, L, C, XL, XC सीधे दे रखे हैं, मैंने तुमको इस बार मतलब वो नहीं करवाया ओमेगा ओमेगा से L, L की C की वैल्यू नहीं दी है,
हेनरी और माइक्रोफेरेड वगैरह में सीधे मैंने एक्सएल एक्सी ओम में दे दिए, आर एक्सएल एक्सी। अब मुझसे पूछी जा रही वो सारी चीजें, मैं तुमसे पूछता था, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो वो सारी चीजें और मैं तुम्हारे सामने वो करने जा रहा हूँ। मुझसे वो सारी चीजें जो बार बार पूछ रहे, आई नॉट आई आर एम एस, ये करंट की फंक्शन, वो सब फेज फैक्टर पावर फैक्टर, ये सारी चीजें मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। क्या डायग्राम बनाऊंगा, आर, आर कितना 30, एक्सएल, एक्सएल कितना, इसको हमेशा याद रखना, इसको बोलते फेजर डायग्राम, आर एक्सएल, एक्सएल हमेशा 90 डिग्री आगे दिखाना, एक्सएल कितना 70, एक्सी कितना 30। ये पहला काम करना बेटा, सब ओम में है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब अगला काम ये करना कि 70 और 30 कौन डोमिनेट कर रहा है ये बताओ, एक्सी की एक्सएल, तुरंत तुम समझ जाना कि इंडक्टर अपना बिहेवियर डोमिनेट कर गया, तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना हुआ 70 में से 30 के 40। अब 30 और 40 90 डिग्री पे है, तो जो जेड है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वही मैं फेजर डायग्राम बना रहा था, अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी यानी कि 70 माइनस 30 यानी कि 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर यानी कि जेड की वैल्यू 50 ओम आएगी। अब अगर जेड आ गया बेटा, जेड आ गया तो यही फेज डिफरेंस होता है, मैं लिख लेता हूं जेड आया मेरा बेटा, जेड आया मेरा 50 ओम। जेड आ गया तो बेटा तुम ये बताओ, ये है वी नॉट, तो आई नॉट वी नॉट बाई जेड 220 रूट 2 बाई 50। अब तो सॉल्व कर लोगे वो 22/5 रूट 2, IRMS भी तुम सॉल्व कर लोगे, IRMS I not by root 2, बस root 2 हट जाएगा और ये आ जाएगा 22/5। तो अब phi लिखने आ रहा हूँ, phi लिखने के लिए तुम चाहे cos phi कर लो चाहे tan phi कर लो, मैं cos phi करने जा रहा हूँ। cos phi की वैल्यू याद करो, मैंने लिखी थी cos phi is equal to R by Z होती है ना, यहां से भी देख सकते हो R by Z, तो R कितना है 30 है, Z कितना है 50 है, 3/5 cos की वैल्यू 3/5, साइन की वैल्यू 4/5, बोलो किस एंगल पे होती है, 53। अब 53 मैं ना लिखता ऐसे कॉस इनवर्स 3/5 लिख देता, बात एक ही है ना, phi is equal to 53 आ रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे मेरा फेज डिफरेंस आ गया, ये कॉस फाइव पावर फैक्टर बन गया, तो सर क्या मैक्सिमम रेट से पावर कंज्यूम कर रहा है कि 3/5 कर रहा है मैक्सिमम का, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जीरो, ना ना जीरो तो नहीं है, प्लस फाइव या माइनस फाइव, तो कौन डोमिनेट किया, कौन डोमिनेट किया, इंडक्टर प्लस फाइव, इंडक्टर में माइनस फाइव बेटा, माइनस इंडक्टर कैपेसिटर प्लस जो है ना वोल्टेज है बेटा, ये समझो ये वोल्टेज है, कई लोगों को कोई एंटी क्लॉक, लेकिन ये वोल्टेज, वोल्टेज करंट से आगे तो करंट वोल्टेज से पीछे, तो ये माइनस 53 होना चाहिए। कई लोग प्लस फाइव फिगर को देख के बोल होंगे कि ये वोल्टेज है, हम ये करंट लिख रहे हैं, वोल्टेज आगे करंट पीछे, इंडक्टर में, इंडक्टर में करंट पीछे चलती है, कैपेसिटर में सी आई वी आई एल, इंडक्टर में वोल्टेज आगे करंट पीछे, ये आगे है तो इसे पीछे पीछे जाओ 53 डिग्री, पीछे जाओ 53 माइनस ले जाओ, ये आ गया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब टी वन रख लो, जीरो रख लो, जिस मोमेंट पे करंट पूछे वो करंट बता दो, लेकिन मुझे एक चीज और चाहिए थी, वो चाहिए था मुझे पावर, बट पहले इतना लिख लो फिर मैं तुमको पावर अलग से डिटेल में बताऊं, पहले ये बताओ ये समझ में आया, यस सर। अगर ये उल्टी वैल्यू होती, ये 30 होता, ये 70 होता, जेड तब भी वही आता, पाई तब भी वही आता, 53 तब भी वही आता, लेकिन तब वहां पे माइनस 53 करते कि प्लस 53 करते, मतलब अगर कैपेसिटर 70 ओम होता प्लस 53 करते ना, फिर वहां पे अगर मान लो दोनों 70 ओम होते तो तब तो जीरो, यही समझना था तुमको ऐसे आने, पर अब मैंने तुमको एक्सएल एक्सी लिख दिए तो अब मैं मान लो ना दिए होते एल ओ सी दिया होता तो एक काम और जुड़ जाता कि ओमेगा एल और वन अपॉन ओमेगा सी से एक्सएल एक्सी निकालो फिर आगे की कहानी करो।
वो तो तुम एक्सेल एक्सी तो कर ही लेते हो, तो अब मैंने इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ के तुमको बता दिया, ये लिख लो सब लोग। हो गया सर, हो गया। तो फिर पावर बताओ इसमें कितना आ रहा है, कॉस फाई तुम्हारे सामने लिखा पावर फैक्टर, पावर कंजम्पशन बताओ वीआरएमएस आरएमएस कॉस फाई से। व्हाट है सर? पावर 2904/5। 2904.5 ये कह रहे हो सर? 2904/5। अच्छा 2904/5, ओके 2904/5। बाकी लोग देखो ये आ रहा है, वैल्यू रखनी है खाली बीआरएम आरएमएस की। यस सर भाई आ रहा है। अच्छा तो तुम लोगों ने आज एलसीआर सर्किट जो है अगर सीख लिया तो बेटा इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग हो, जैसे इसी फिगर को देखो सब लोग, मान लो इसमें R होता, XL होता, C ना होता, तो XC ना दिखाते, तब कितना आता बताओ? तब Z कितना आता? तब आता Z अंडर रूट 30² + 70². तब कितना फाई आता? तो देखो अगर तुम्हारा R होता, XL होता, तब भी कुछ तुम एक वेक्टर बनाते, तब भी उससे फाई निकाल लेते R / Z से, तब भी सब कुछ यही करते, तब भी तुम यहाँ पे माइनस फाई करते। R होता, C होता, तब तुम नीचे ले आते, तब भी अंडर रूट R² + X² करते, तब भी फेजर डायग्राम से Z निकाल लेते, फाई निकाल लेते, यहाँ पे प्लस कर देते। मान लो आर ही ना होता, एक्सएल एक्सी होते, तब भी तुम उससे जेड निकाल लेते एक्सएल माइनस एक्सी करके, या एक्सी माइनस एक्सएल करके, तब भी तुम्हारा एक फेज डिफरेंस आता। लेकिन हाँ अगर सिर्फ एक्सएल या एक्सी होते तो सिर्फ एक्सएल या एक्सी के केस में या तो इधर आता नेट या तो इधर, तो फेज डिफरेंस तुरंत 90° हो जाता, तो पावर फैक्टर जीरो आ जाता, कॉस फाई जीरो आ जाता। तो हर केस में तुम ये कर सकते हो क्वेश्चन, हर केस में। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो थोड़े और क्वेश्चन करा दूंगा मैं तुम लोगों को। आज की क्लास सबको समझ में आ गई? यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।